जहाज पर शकरगढ़ थाना क्षेत्र के बाकी झुपड़िया गांव की रहने वाली 18 वर्षीय रिंकू पिता पेगाराम मीणा ने अपने घर पर ही किसी विषाक्त चीज का सेवन कर लिया, जिससे लड़की की हालत बिगड़ गई। घर वालों को तबियत बिगड़ने पर पता चला तो घर वाले लड़की को जहाजपुर चिकित्सालय लेकर आए, जहां उपचार के दौरान बालिका ने दम तोड़ दिया। शकरगढ़ पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। आसीन के बदनोर कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों ने 7 घरों को निशाना बनाते हुए नकदी व जेवर पर हाथ साफ कर लिया। जानकारी के मुताबिक कस्बे निवासी सांवरलाल खट्टी के घर से 54,000 नगद, एक टॉप चोरी, 1.5 तोला का नेकलेस व आधा किलो के चांदी के पाइजे पर चोरों ने हाथ साफ कर रात करीब 3 बजे अज्ञात चोर खटीक मोहल्ले में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल जो गंजाम खटीक की थी, जिसको लेकर चोर जा रहे थे। गोपाल हरिजन की पत्नी जागने पर चिल्लाई, आसपास के लोग चोर के पीछे भागे, लेकिन चोर गाड़ी छोड़कर भाग गए। सांवर खट्टी के घर पर कोई नहीं था, वह गृह स्वामी पुराने घर पर अकेला सो रहा था। गणेश मंदिर के पास लियाकत हुसैन के घर पर भी 3 ताले तोड़े, लेकिन मकान खाली होने से चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। चोर कपड़े बिखेर कर वहां से चले गए। कस्बे में एक ही रात में 7 घरों के ताले टूटे, जिससे लाखों की नकदी चोर चुरा कर ले गए। श्याम सुंदर सैन के मकान का ताला तोड़ अलमारी को तोड़ जेवर लेकर गए। 2 सूटकेस घर के बाहर खुले पड़े थे, जिसमें कपड़े बिखरे हुए थे। 2 सोने के मांदलिया व 50,000 नगद व कान गले के सोने के जेवर। परमेश्वर तेले के मकान का भी ताला तोड़ा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इमामुद्दीन शेख आराम भवन मार्ग पर घर का ताला तोड़कर ताले को जूते पर रखकर कमरे में पड़ा बक्सा को खोलकर बिस्तर बाहर बिखेर कर लॉकर में पड़ा 8 चांदी के सिक्के वे एक पाइजेब की जोड़ी, करीबन 200 ग्राम वे एक चांदी की चेन वे चांदी की बिछिया वे केसीसी के पड़े लोन के 50,000 रुपए नगद लेकर भाग गए। राजस्थान सरकार के रोको टोको अभियान में जोन 5 में चंद्रशेखर आजाद नगर चौराहे पर जोन 5 के समन्वयक सामर मलोझा, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश नारायणीवाल, जमादार नटवरलाल, चूरिया मुरिया सेवा संस्थान के अध्यक्ष हेमलता अगवानी, शुभम चंडालिया आदि कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया। गांधीनगर स्थित टिल्स संस्थान पर नवंबर माह में दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक स्पीकिंग मंच टेडिक्स का आयोजन हुआ। इस टेडिक्स इवेंट का नाम टेडिक्स राजेंद्र मार्ग रखा गया। टेड अमेरिका स्थित एक मीडिया कंपनी है जो दुनिया भर में टेडिक्स नाम से इवेंट करवाती है, जिससे वहां के स्थानीय नागरिक भी अपनी बात दुनिया के हर कोने में पहुंचा सके। टेड का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर लगभग 3 करोड़ सब्सक्राइबर है। टेडेक्स राजेंद्र मार्ग इवेंट के आयोजक डॉक्टर अभिलाष मोदी थे, जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी टेडेक्स टॉक दे चुके हैं। इस इवेंट में कुल 7 स्पीकर्स ने अपने अनुभव व विषय संबंधी ज्ञान को साझा किया। आदित्य देव वैष्णव ने अपनी टॉक में जीवन को बेहतर तरीके से समझने और किताबों का हमारे जीवन में क्या योगदान है, इस बारे में बताया। सीए व प्रोफेसर सुमित कछारा ने अपनी जिंदगी की कई घटनाओं का उदाहरण देकर बताया कि कैसे हम जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदलकर एक शानदार जीवन जी सकते हैं। रवि ओझा जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने स्कूल में थिएटर द्वारा कैसे बच्चों का व्यक्तित्व विकास किया जा सकता है के बारे में बताया। दिव्यांशी शुक्ला ने पब्लिक स्पीकिंग क्यों छोटे शहरों में एक हवा है के बारे में बताया, वे साथ ही खुद के जीवन की कई घटनाओं का उदाहरण देकर पब्लिक स्पीकिंग को समझने के कुछ टिप्स दिए। प्रतीक सैनी ने अपने टॉक में बताया कि कैसे उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को कई बाधाओं के बावजूद सफलता में बदला। सोनाली डांगी ने लिखने की महत्ता वे कैसे उनकी जिंदगी जीने की समझ लिखने से बेहतर हुई के बारे में बताया। दीपेश सोनी ने बताया कि कैसे गलत भोजन आपको एक नकारात्मक इंसान बना सकता है। इस इवेंट के आयोजक डॉक्टर अभिलाष मोदी ने बताया कि अच्छे व अनुभवी स्पीकर्स को इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्टेज देना उनका 2 साल का सपना था और वह आगे भी इस तरीके के इवेंट्स कराते रहेंगे। जिले के हमीरगढ़ कस्बे में बुधवार दोपहर बाद 4-5 नकाबपोश अज्ञात लोगों ने शोच के लिए जंगल में गए युवक पर हमला कर चाकू से गला रेत दिया और हाथ की नसें काट दी। युवक को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित हमीरगढ़ निवासी किशन लाल ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 2 बजे वह शोच के लिए घर के सामने ही जंगल में गया था, जहां किसी ने पीछे से उसके सिर में लाठी से वार किया। जब वह पीछे घुमा तो उसे 4 से 5 लोग दिखाई दिए जो नकाबपोश थे। इसके बाद उसने अज्ञात लोगों से सामना करना चाहा तो उन लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए, चिल्लाया तो मुंह पर रुमाल रख दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसका गला और हाथ की नसें कटी मिली, खून बह रहा था। इतना ही नहीं, जहां उस पर पहली बार हमला हुआ वहां से वह काफी दूर पड़ा था। जहां से वह चलकर घर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में बकरियां चराने वालों ने उसे पहचान लिया और घर जाकर परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन उसे राजकीय अस्पताल ले गए। उधर युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। पीड़ित की मां का कहना है कि वह हमलावरों को नकाबपोश होने से नहीं पहचान पाया। ऐसे में यह पता नहीं चल पाया कि हमलावर कौन थे और हमले की वजह क्या रही।
फिलहाल युवक का उपचार महात्मा गांधी चिकित्सालय में जारी है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।